यही एक एग्जाम है जिसमें फेल होने की खुशी होती है। लेकिन अभी ये खुशी है कि यहाँ के लोग जो बहुत तेजी जा रहे हैं वो हमारे साथ ही जाम में फंसे हुए हैं। खड़ी चढ़ाई है यार। समुद्र मंथन से विष निकला था, वो भगवान शिव ने अपने सामने, शिव जी की मूर्ति है, पुल हिल रहा है भाई। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और अभी मैं हूँ ऋषिकेश में और हम जा रहे हैं नीलकंठ महादेव टेंपल। ये प्लान बना था रैंडम प्लान में, कल शाम को 8 बजे हमने डिसाइड किया और उसी समय तुरंत निकल लिए। उसके बाद सबसे पहले हमने गाड़ी में कराया टैंक फुल टैंक, टैंक फुल कराने के बाद जब हम लोग निकले तो सबसे पहले फंस गए हम लोग नोएडा के खतरनाक वाले ट्रैफिक में। टाइम हो रहा है 9:29 और हम लोग अभी भी जाम में फंसे हुए। हम लोग की हालत खराब हो रखी है, बुरी है हमारी। डेस्टिनेशन जो है हमारी वो अभी यहाँ से अप्रोक्स 4 आवर्स दिखा रहा है, तो 1 से 1.5 तो बजी जाएगा। अप्रोक्स 9:30 फंसे थे और हमारा प्लान था 12-1 बजे तक ऋषिकेश पहुँचने। अभी 9 बज रहे थे और अब बज रहे हैं 10 और हम लोग अभी भी उसी जाम में। आस्था गिल परेशान हो चुकी है, गा गा के कह रही है भैया 1 घंटे से गा रही हूँ, थोड़ा चाय पानी पी लूँ क्या। सो अभी हम लोग उधर की तरफ थे लेकिन अब इधर है। लेकिन अभी एक खुशी है कि यहाँ के लोग जो बहुत तेजी जा रहे हैं वो हमारे साथ ही जाम में फंसे हुए हैं, तो अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। बगल में एबीएस। फाइनली 10:30 पे हम लोग अब निकले हैं यहाँ से और अप्रोक्स 3.5 घंटे और 215 किलोमीटर दिखा रहा है। अब देखते हैं कितनी देर में पहुंचेंगे और उसके बाद फिर हम लोग वहां से निकले मेरठ होते हुए मुजफ्फरनगर। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे था, वो बहुत सही था। सो वहां से बहुत जल्दी हम लोग 20-25 मिनट में मेरठ पहुंच गए, वो बहुत अच्छा कवर किया हम लोग। हाँ, टाइम हो रहा है अप्रोक्स 11 और हम लोग मेरठ क्रॉस कर चुके हैं। उसके बाद जो मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर तक का रोड था वो भी बहुत अच्छा था, उसमें भी कोई चैलेंज नहीं था। और यहाँ से हरिद्वार है अप्रोक्स 2 घंटे की डिस्टेंस पे। मुजफ्फरनगर के बाद फिर हम पहुंचे एक बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन, फाइनली वेलकम टू कुंभ सिटी हरिद्वार। कब पहुंचाओगे? बहुत ही जल्द, पैगा तुमसे चिढ़ गया कहेगा ये पॉजिटिव नहीं है लेकिन इसे मैं बनाता हूँ भी पॉजिटिव। बहुत अंदर तक कर दिया यार भाई, हमने इतने टेस्ट कराए लेकिन जितना अंदर इसने किया है उतना किसी ने नहीं किया। हरिद्वार से जैसे ही हम लोग अंदर एंटर किए थे वेलकम किया ही था उसने कि हमें साइड में लगा दिया, बोले इधर लगो। डबल डोज है जिसका, उसको भी टेस्ट हो रहा है, या तो कह रहे बूस्टर डोज हो, बूस्टर अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे टेस्ट कराओ। और ये सभी लोग लगे हुए। टाइम कितना हो रहा है? 1 बज गया। 1 ही बजा है, 1:05 हो रहा है। एक काम करते हैं, हरिद्वार पहुँचते सुबह, समझे, नहाते हैं वहाँ पे, चल सीधे चल के वहाँ पे नहाएंगे। मतलब तुम नहाना, हम देखेंगे तुम्हें, तुम्हारी रील बनाएंगे। अब रिपोर्ट दे, पता चला रिपोर्ट में कोविड पॉजिटिव ना आ गए हैं। बी पॉजिटिव है क्या? तुम एग्जाम में पास हुए? नेगेटिव। यही एक एग्जाम है जिसमें फेल होने की खुशी होती है। तो यहाँ से हम लोग एग्जाम में फेल होके निकल रहे। शांत हो जाओ आस्था जी, थोड़ी देर रेस्ट करो। टाइम हो रहा है 2 और हम लोग हैं हरिद्वार में। क्या ब्रो, मजा आ गया है? पानी देखो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट संडे को क्या करेंगे ना, टाइम से आएंगे अगर अपन नहाने का। डुबकी लगाते हैं यार, बनता है। हाँ यार, यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते है ना, 2-4 फोटो खिंचाते और 2-4 फोटो खिंचा के फिर निकलते हैं फटाफट। हरिद्वार रात में आने का ना इतना रिग्रेट हो रहा है, इतना बढ़िया यहाँ पे वाटर फ्लो है, सामने शिव जी की मूर्ति है और ये जो ब्रिज है ये सस्पेंशन ब्रिज है, सो बहुत अच्छा लग रहा है। सामने का व्यू भी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बट कैमरे से उतना अच्छा नहीं आ रहा होगा आई नो। बस वही है कि अगर डे में आए होते तब मजा आ गया होता, पर बहुत अच्छा। और यहाँ पर इंडियन फ्लैग, बहुत जहर व्यू है, पुल हिल रहा है भाई। हाँ, सस्पेंशन फील हो रहे हैं। लेकिन क्या था कि रात में पहुंचे थे तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा अच्छे से मैं शूट नहीं कर पाया, बट नो डाउट नेक्स्ट ब्लॉग में आपको फिर से हरिद्वार देखने को मिलेगा, वो मिलेगा दिन में। फाइनली वी आर एट ऋषिकेश, टाइम हो रहा है 3:30 और हम हैं आर्यन रिजॉर्ट में। तो ऋषिकेश में एक्सप्लोर करने के लिए आपको मिल जाएगा राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी पुल, त्रिवेणी घाट, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, 13 मंजिल का जो मंदिर है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहते हैं उसको, वो मिल जाएगा। सो ये सारी चीजें हम एक्सप्लोर करेंगे कल। और आज हम लोग जा रहे हैं नीलकंठ महादेव मंदिर, उसी के पास है पटना वाटरफॉल, वो भी एक्सप्लोर करेंगे। फिर अगर शाम को आते हुए टाइम मिलता है तो हम जाएंगे यहाँ पे गिरी वाटरफॉल है, वहां पर भी एक्सप्लोर करेंगे। वहां से आने के बाद अगर टाइम मिलता है तो लक्ष्मण झूला और गंगा आरती त्रिवेणी घाट की, वो हम रात में एक्सप्लोर करेंगे। त्रिवेणी घाट की जो आरती है उसका रात का व्यू बहुत अच्छा रहता है। यहाँ से अप्रोक्स कितना बचा है नीलकंठ? 18 किलोमीटर
हम लोग इधर से आ रहे थे और इधर से वो सामने ब्रिज था जहाँ से इधर की तरफ आए थे और सामने एक रोड जा रहा था, ये श्रीनगर जा रहा है। सो यहाँ पर है ये राफ्टिंग पॉइंट्स, यहाँ से सब लोग नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद आपको दिख रहा होगा वहाँ पर ये, सो ये सारे यहाँ पे राफ्टिंग कराते हैं। फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं, पहुँचते हैं नीलकंठ महादेव वरना हो जाएंगे लेट। यहाँ से मंदिर है अप्रॉक्स 400 मीटर की डिस्टेंस पे और यहाँ पे ये सारा प्रसाद वगैरह मिल जाएगा, तो हमें भी गाड़ी यहीं पे लगानी पड़ेगी। हम लोग आ गए नीलकंठ महादेव मंदिर, यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी। बस यहाँ पे क्या है कि आपको प्रसाद यहाँ से लेना है, उनकी ये पार्किंग है, यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मार्केट भी मिल जाएगा, ठीक ठाक मार्केट है। तो ये है नीलकंठ महादेव मंदिर, अंदर से हम लोग दर्शन करके आ गए। भगवान का एक शिवलिंग था, उसके बाद भैरव बाबा मंदिर था, यहाँ पर भी एक शिवलिंग बना हुआ है, यहाँ पर भी लोग जल वगैरह चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि समुद्र मंथन से विष निकला था, वो भगवान शिव ने अपने कंठ में रख लिया था और उसके बाद 60,000 ईयर तक यहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी, मेडिटेशन किया था, और उसके बाद वो जो कंठ है वो यहीं पर एक शिवलिंग के फॉर्म में रखा हुआ है। तो ये है इस नीलकंठ महादेव मंदिर की कहानी। चले अभी यहाँ से निकल रहे हम लोग और अब हम लोग जाएंगे पटना वाटरफॉल, उसके बाद अगर सही टाइम पे निकल लिए वहाँ से तो फिर जाएंगे नीलगिरी। तो यहाँ पे सामने मंदिर, मंदिर से थोड़ा सा आगे आए थे ये जो मैंने आपको दिखाया था फार्मिंग वाला, सोचा यहाँ पे गाड़ी की एक दो फोटो लेते हैं, एक दो अपनी क्लिक कराते हैं। और ये नीचे सारा यहाँ पे फार्मिंग होती है, काफी लोगों के घर भी बने हुए हैं। तो यहाँ पे फोटो हो गई, अब निकल रहे हैं और यहाँ पे चेतावनी लिखी है, शराब पीकर वाहन चलाएं, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करें। लोगों ने ना जितना भी था सब हटा दिया है, ऐसे ऐसे एडवेंचर करते हैं लोग। अरविंद ये तुम्ही ने किया होगा, हमें भरोसा है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रेडियो मिर्ची। तो यार दर्शन करने के बाद अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, बहुत अच्छा व्यू था यहाँ और कुछ पिक्चर्स क्लिक कराते हैं फिर आगे चलते हैं वाटरफॉल पे। सुना है काफी फेमस है और ये जो वाटरफॉल है ना ये इससे पहले बहुत ज्यादा हाईलाइटेड नहीं था, ये अभी कुछ साल पहले ही पटना वाटरफॉल, उससे पहले नीलगिरी वाटरफॉल जो है ना वो बहुत ज्यादा पॉपुलर था। खींचो मेरी फोटो और यहाँ पे मैंने सोचा एक बार आप लोग को दिखा दूँ, ये सारी की सारी यहाँ पे हट वगैरह बनी हुई है, कैंप हाउसेस बने हैं, रिजॉर्ट बने हुए हैं, सो बहुत अच्छा है। और सामने वहाँ पर रिवर फ्लो कर रही है, सो अगर कभी आप नाइट में आते ऋषिकेश से थोड़ा आगे आते तो आप इस तरह की जगह पे भी थोड़ा सा ऑफबीट रहती है, लेकिन यहाँ पर भी आप स्टे करके इस एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं और आसपास की जितनी भी जगह एक्सप्लोर करनी है तो वो सब घूम सकते हैं। यार बहुत सही बना हुआ है रिजॉर्ट और वो सब कुछ है यहाँ पे, मतलब कैंप हाउस वगैरह सब है। अब हम जा रहे हैं पटना वाटरफॉल जो कि 5.7 किलोमीटर है और 14 मिनट दिखा रहा है यहाँ से। पता है यहाँ पे स्वर्ग आश्रम भी है, वो भी एक्सप्लोर करने के लिए सही है। ये देखो छोटे बच्चे यहाँ पे मंकी को पत्थर मार रहे हैं, आई थिंक पहाड़ों पे ना स्कूल वगैरह बहुत दूर होते हैं, इन बच्चों को ना काफी पैदल चलना पड़ता है, बट क्या डेली चल चल के ना एक हैबिट सी पड़ जाती है। यहाँ पे नीचे सारी राफ्टिंग होती है, तो यहाँ पे दो तरह के पॉइंट होते हैं, एक 8 किलोमीटर 16 किलोमीटर, जो 16 किलोमीटर वाला है वो शिवपुरी है, शिवपुरी से शुरू करते हैं वो लोग और फिर यहाँ पर पूरा ये लेके आते हैं। पानी का फ्लो बहुत सही लग रहा है यार, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, ग्रीन वाटर लग रहा है। ये जगह है फूल चट्टी और यहाँ से जहाँ से वो लोग खड़े वो जाते ऊपर पटना वाटरफॉल जो कि है 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, और सामने देखो चले भाई 1 किलोमीटर का ट्रैक है वो करना है हमें और उसके बाद फिर हम वापस आएंगे। तो अभी वहाँ जा रहे थे लेकिन उससे पहले ये शॉप दिखी और थोड़ा सा भूख सी लगी और पहाड़ों पे आए और मैगी ना खाएं तो ये तो हो नहीं सकता। हमने ऑर्डर कर दी 2 मैगी 2 चाय, भैया थोड़ा जल्दी बना दो, कितना टाइम लगेगा 10 मिनट बना दो। और इधर दिखाता हूँ आपको व्यू, क्या बात है ये देखो यार, ये है सुकून। सो यहाँ पे चाय मैगी खाने के बाद अब हम जा रहे हैं वाटरफॉल पे और बहुत लोग जा रहे हैं। कितनी दूर है भैया वाटरफॉल? 1 किलोमीटर। ऐसी चढ़ाई है क्या? ऐसी अच्छा है वाटरफॉल? ना कह के भी हाँ बोल रहा है अरविंद, बहुत खड़ी चढ़ाई है यार आजकल के युवा। चक दे इंडिया। चलो थक गए युवा हो तुम, बस उसके बाद बंद, उसके बाद बंद। सो 1 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद फाइनली हम आ चुके हैं पटना वाटरफॉल एंड लुक एट दिस व्यू। छोटा सा है, बहुत ज्यादा बड़ा वाटरफॉल तो नहीं है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, हर तरफ माउंटेन है, माउंटेन की वजह से क्या है यहाँ पे काफी ठंडा भी लग रहा है। हाउ इज द जोश? आवाज नहीं निकल रही है भाई। ये बात तो सही कही, मतलब इतनी मेहनत करके और दिखता है। हाँ, और इतना ज्यादा इंक्लाइंड था, इतना चढ़ने के बाद यार इतना छोटा सा वाटरफॉल, मतलब पैसे वसूल नहीं हुए यार। अब यहाँ से निकलने का टाइम हो गया, निकलते हैं हम। अमृत अमृत नहीं है, ये है वैली।
लेकिन यहाँ पे आके यही अमृत है। छोटा है वाटरफॉल, वाहियात है, वाहियात आने की जरूरत नहीं, इतनी स्टीप चढ़ाई है। हाँ। और ये मिल रहा छोटू सा है, लेकिन जो पब्लिक यहाँ पे आ जा रही है ना, वो बहुत मजे से फोटो खिंचा रही है, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ से जाए तो कोई फायदा है नहीं, तो इससे अच्छा खिंचाई लो फोटो। अब यहाँ से निकल रहे हैं, टाइम हो रहा है 5:15, क्योंकि अगर हमें गंगा आरती देखनी है तो टाइम से ऋषिकेश पहुँचना पड़ेगा। मेरा ही दोस्त था, ऐसे चढ़ गया, पता ही नहीं चल रहा उसको, क्योंकि उनकी पता है क्या लोकल वालों की हैबिट होती है, वो डेली के डेली चढ़ते रहते हैं, और वो कभी भी ना बहुत तेज स्पीड में नहीं चढ़ेंगे, वो लिमिटेड स्पीड में और उसी स्पीड में हमेशा चलते रहेंगे। कितना ऊपर बोलते 30 किलोमीटर, सामने का मैच खराब हो गया। किसने बोला 30 किलोमीटर? एक लड़की मिली थी। हाँ। तो मैंने कहा लड़कियों की मैच नहीं, नहीं उसने इनडायरेक्टली तुम्हें मना किया था। हाँ उसने इनडायरेक्टली मना किया, बट तुम समझे नहीं। हम जैसे चले 5 मिनट बाद ही एक लोग मिले, उनसे पूछा कितना है, बोले 10 मिनट ओनली। फिर 10 मिनट चल के फिर मिले एक, उनसे पूछा, वो बोले बस 10 मिनट। फिर लास्ट में फिर 10 मिनट बाद एक लोग मिले, वो बोले कि 15 मिनट। तो हमने कहा भाई तुम ही सही बोल रहे हो। त्रिवेणी तुम अभी जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ 6:15 तक स्टार्ट कर देता है। सबसे बढ़िया सो कह रहे परमार चले जाओ तो पास में पड़ेगा। जब उत्तराखंड फ्लड आया था, जब वो शिव जी की मूर्ति डूबी दिखा रहे थे, हाँ वहीं पे है वो परमार्थ। अच्छा वो परमार्थ पे ही, तो यार परमार्थ ही चलते हैं। यार बहुत अच्छा लग रहा है। आरती हो गई, आरती होने के बाद पीछे यहाँ पे शिव जी की मूर्ति है, यहाँ पे हम लोग फोटो वगैरह क्लिक करा रहे थे। ये है परमार्थ घाट, और उसके बाद वो है जानकी सेतु, इधर है ये राम सेतु, सामने ये दिख रहा होगा। फिलहाल अब टाइम है रेस्ट करने का। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।